यस हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन तो टुडे सैटरडे वीकेंड एक तो वीकेंड ऊपर से सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो आप सभी का स्वागत है टेंशन मत लीजिए आज कुछ बहुत ज़्यादा बहुत नया आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा जो चीज़ें आपने इस पूरे वीक पढ़ा है तो बस वही चेक करना है कि वो याद है या नहीं याद है तो आप सभी का स्वागत है वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग राम राम सभी को कोई आ गए हैं हुड्डा जी आ गए हैं और आ, महातो जी आ गए हैं भूवी हैं पुष्कर सिंह है, है, है कार्तिके देवा हैं साक्षी सिंह हैं इलेक्ट्रिकल्स गोपाल इलेक्ट्रिकल्स अच्छा कार्तिके देवा कार्तिकेय देवा देख के मेरे को वो मूवी याद आ रही कार्तिकेय टू अभी आई है ना ठीक है आयुष सिंह है सोनू है नितिन है मोड़ मुडवा, नितिन मोड़वाल जी हैं ठीक है, है अभिषेक सारवालिया जी हैं अक्षय राणा ड्रीम यूपीएससी ओके केशर पटेल सपना सपना जिसका नाम ड्रीम है सचिन प्रिया लोप मुद्रा वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग एवरी तो अभी आंसर जल्दी जल्दी दोगे तो फिर और फिर आप लोगों का नाम लिया जाएगा ठीक है तो वी आर नॉट स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू कुछ नया नहीं पढ़ना है बस क्या करना है कि जो हमने पढ़ रखा है हम उसी चीज को यहाँ पे क्या करने वाले हैं चीजों को रिवाइज करने वाले हैं ठीक है थीके? और आज मेरा हाइट बढ़ गया है आप देख सकते हैं मैं बोर्ड के एंड तक जनरली मेरा काम बोर्ड के यहाँ तक ही होता है लेकिन टुडे आई कैन टच टिल द बोर्ड एंड फाइन तो लेट स्टार्ट द सेशन सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अभी पढ़े हैं कल परसों की बात है इंटर नॉट आज कुछ नया नहीं पढ़ रहे ठीक है सैटरडे है कोशिश ये है कि ये इस वीक का पूरा रिविजन कर लें हम लोग सो दैट इज द कंसेप्ट की वीकली रिविजन ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग तो अब आप बताइए हाँ देखते हैं क्या क्या तुम तो लोग को याद है नहीं याद है ओके okay, तो आंसर आना शुरू हो चुका है सबसे पहला आंसर अर्शित पांडे ने जी दिया है ठीक है है ठीक फिर सपना वेरी गुड तो देखिए आप जानते हैं कि इंटरनेट का जानकारी जिनको ज्यादा होता है हम उनको इंटरनोट बोलते हैं और ये ट्वेंटी थर्ड ऑफ ऑगस्ट को आपका सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है ठीक है गुजराती भाषा चौबीस अगस्त पूछा भी वही जा रहा है गुजराती भाषा तो ये आप क्या बता देंगे हम बोलोगे मैम देखिए अब ना ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गया है चौबीस अगस्त को मनाया जाता है वीर नारमाद वीर नारमाद जी का नाम याद रखेंगे कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि हाल ही में मनाया गया गुजराती दिवस किसके याद में मनाया जाता है तो आप बताएंगे वीर नारमा ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉस्को मैस्कॉट ऑफ राजीव गांधी रूलर ओलंपिक गेम्स यानी कि राजीव गांधी खेल जो होता है उसमें रूलर ओलंपिक गेम्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में होगा उसका कि की क्या है क्वेश्चन जल्दी-जल्दी तभी होंगे जब आप फटाफट आंसर देना शुरू कर दीजिएगा तो आपको पता है कि राजीव गांधी खेल जो राजस्थान में होने वाला है इसका क्या है शुभांकर इसका शुभांकड़ है शेरू वेरी गुड शेरू जो है वो राजीव गांधी खेल रूरल ओलंपिक गेम का क्या है शुभांकड़ नेक्स्ट रात में जू ठीक है रात में चिड़ियाघर जा सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि सिटी बजाया छह बजे तक बाहर निकल जाओ है ना ओके okay, सपना कह रही है कि बीस जुलाई याद रखना दोस्तों चेस डे है और मैस्कॉट है थम्बी चेन्नई वेरी गुड ठीक तो रात में ज़ू कहाँ पे बनेगा रात में जो ज़ू खुलेगा वो उत्तर प्रदेश में खुलेगा ठीक है सिंगापुर के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में रात में भी आप ज़ू जा सकते हैं नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके तो कौन बनेंगे हमारे देश से इंडियन फॉरेन ऑफिसर कौन है जो कि जो कि ब्रिटेन यूके जाएंगे और ये है हमारे देश के नेक्स्ट हाई कमिश्नर तो इनका नाम क्या है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर जो कि यूके में पोस्टेड रहेंगे ये है विक्रम दौड़ाई स्वामी विक्रम दोड़ाई स्वामी ये हमारे क्या है हाई कमिश्नर है इंडिया के हैं और ये पोस्टेड रहेंगे यूके में इसके पहले यह बांग्लादेश में थे फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन मोदी जी ने इनोग्रेट किया होमी भावा कैंसर हॉस्पिटल आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं रिवीजन आपका तगड़ा है आप बता देंगे कि ये कैंसर हॉस्पिटल, जैसे कि अमृत हॉस्पिटल किया गया था तो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था तो कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पे किया गया है तो ये मोहाली पंजाब में किया गया है बहुत एक्सेलेंट। <coughs> <Excellent. coughs> hmm. अच्छा बीमार पड़ गए थे आठ रोज से क्लास ज्वाइन नहीं की थी अच्छा आप ठीक हो आप ठीक हो पानी ज्यादा पियो ये जो मौसम है ना इवन इन सेइंग कि बहुत लोग अभी थोड़ा प्रभावित हैं तो आप लोग अपना ध्यान रखिए पानी ज्यादा पिए कोई भी अंश चीज ना खाएं ठीक है चले नेक्स्ट है जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नासा का है अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से ग्रह को देखेगा मंगल ग्रह को देखेगा जुपिटर को देखेगा शनि को देखेगा या वीनस को देखेगा तो भले नहीं पता होगा कोई बात नहीं मैडम आप इसी वीक पढ़ाई है तो हमको याद है कि जेम्स वेब वेब टेलीस्कोप पहले तो नहीं जानकारी था लेकिन बहुत लोगों को पहले से पता था ठीक है दोनों केस में अब आपको याद रहेगा कि ये बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर के लिए है है ना तो जुपिटर के लिए है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप और ग्रीनिश ब्लू व्यू ऑफ जुपिटर ये देखा जा सकता है इस प्लान का बहुत सुंदर लगेगा देखने में अब है एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स तो बेसिकली बोला जा रहा है कि अगर आप इस राज्य में हैं और आपने लिकर और ड्रग्स कुछ भी इधर उधर गड़बड़ गड़बड़ किया या तो सेल्फ यूज या तो ट्रेड किसी भी तरह से इलीगल तो फिर इसके लिए एक फोर्स बनाया गया है ए एंटी एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है तो उत्तर प्रदेश काफी काम कर रहा है चंगो मंगो बहुत अच्छा तुमको सब कुछ याद है वेरी गुड रोहन रॉत भी हैं ठीक है और सब कोई क्लास में आ चुके हैं चैतन्य स्मैशर बॉय हैं प्रियांशु है तान्या है अजय ठाकुर हैं वेरी गुड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखो हम चाहते हैं कि इस देश के साथ हम एकदम आराम से इधर से उधर जाएं आराम से इधर से उधर जाने का क्या मतलब है कि हम आराम से ये आ, मतलब ट्रैवल करें तो ये कौन सा देश है जिसके साथ हम समुद्री ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी स्मूथ रखना चाहते हैं सी फरर कहते हैं इसको देखिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ धीरे धीरे अंग्रेजी वाला वर्ड भी सीख जाएंगे है ना ये फ़ायदा होता है बाइलिंग क्लास में और जो अंग्रेजी वाले हो हिंदी सीख जाएंगे तो ये ईरान है ईरान के साथ ये चल रहा है ठीक है, है अब एक कंपनी है क्रेडिट स्वीज आपको बताना है इस कंपनी के सी एफ ओ कौन है इसका डालने का कारण यह है कि अगर हम आपको रोज रोज कोई फैक्ट दे रहे हैं तो क्या आप उस फैक्ट को ग्रैप कर पा रहे हैं क्या आपको वो फैक्ट एज इट इज याद है फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह सी एफ ओ आपका ब्रेन बोलेगा क्रेडिट स्वीज सीधे आपका ब्रेन दीक्षित जोशी पे टिक करेगा समझ में आ रहा है तो ये है फोटोग्राफिक मेमोरी ये फायदा होता है सेशन को देख के पढ़ने का नेक्स्ट इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री इंडिया हैज रिलीज तो अभी भारत में पहले ये एम्बेसी था नहीं लेकिन इस कंट्री में आ, महात्मा गांधी जी का भी स्टैचू लगा मेरा आज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिए ऑल द बेस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी इंपॉर्टेंट है ओके okay, एक स्टूडेंट है दस में दस आ गया है वेरी गुड तो अब देखिए इंडियन एम्बेसी ये कहाँ पे लगा है पारग में लगा है बहुत बढ़िया पारग में इंडियन एम्बेसी लगा है इसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप ऑनलाइन मॉनिटरिंग सर्विस सिस्टम टू मेडिसिन तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुमको हॉस्पिटल से ऑनलाइन में मेडिसिन मंगवाना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इस स्टेट में रह रहे हैं तो पढ़ाई तो यहाँ पे अच्छा है ही एजुकेशन साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल भी अच्छा है तो ये केरला हो गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उल्छी फ्रीडम शील्ड हम अभी बीस क्वेश्चन के बाद स्कोर पूछेंगे इसलिए हम दस पे नहीं पूछे सैटरडे को थोड़ा लंबा रिविजन करेंगे ना ठीक है तो उल्छी फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा किस कंट्री में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगा ये बता दीजिए जल्दी से तो ये कंट्री कौन सा है ये है साउथ कोरिया साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये उल्ची फ्रीडम एक्सरसाइज को होस्ट करेगा सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है अब ये अगर आप चीनी का दिक्कत है कि कहीं पे भी तो अब चीनी खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई गुवाहाटी टी जायली टॉल शुरू कर चुका है तो बस अब इसको हम थोड़ा सा आसान बना दिए हैं तो कौन से टी ने शुरू किया है ये तो अब तुमको याद तो सपना में भी बता दोगे है ना आई गुवाहाटी आई गुवाहाटी जो की असम में है ठीक है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ठीक है तो एनएसजी एनएसजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम बता सकते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है तो क्या बताइएगा क्या कौन है ये इसका आंसर तो सब कोई बता दिया है बहुत बढ़िया हम देख रहे हैं है ना लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है पुष्पेंदु का आंसर आया है ठीक है हाँ अजीत डोवाल जी जो हैं वो एनएसए हैं, है ठीक है तो ये देखिए प्रवीण छाबड़ा आप लोग को डट गया है ये बन गए आईजी इंस्पेक्टर जनरल बहुत बड़ा पोस्ट है आईपीएस बनने के बाद मिलता है मिनिस्टर शांति धारीवाल ये इनोग्रेट किए राजस्थान में एक मोटर मार्ट मोटर मार्केट तो ये राजस्थान में जो इनोग्रेट किए हैं किस जिला में इनोग्रेट किए राजस्थान के ये बता दीजिए कि किस जिले में राजस्थान के शांति धारीवाल जी ने इसको इनोग्रेट किया है जिला का नाम है कोटा जिला ठीक है कोटा जिला में इसको इनोग्रेट किया है और सिटीजन डूइंग मोटर बिजनेस तो मोटर बिजनेस शहर में जो लोग भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये इसको इनोग्रेट किया गया था और साथ ही साथ ट्रैफिक इश्यू को सॉल्व करने की बात की गई ट्वेल्थ नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल तो अब आपसे देखें ध्यान से देखिएगा मुंबई हर जगह आंसर नहीं होता फिल्म का ठीक तो है तो ट्वेल्थ यानी कि बारवा संस्करण है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय है साइंस यानी विज्ञान फिल्म का मतलब तुमको ज्यादा पता है फेस्टिवल मतलब त्योहार तो ये बताइए कि 22 uh, से लेके 26 अगस्त के बीच में ये हुआ कहां पे भोपाल में ठीक है भोपाल में इसको सेलिब्रेट किया गया इसको ध्यान रखेंगे आप लोग को ऐसे भी याद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन डी डी बी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इनका नाम क्या है एनडीबी और पता है अभी तक 200 बच्चे ने लाइक नहीं किया है सेशन को तो अभी जिसके पहले कि मैं 20 में 20 आप लोग से पूछूं कि कितने को आया है आप सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए ठीक है चले नेक्स्ट तो ये कौन है मनीष मनीष सी शाह है देखो ये वाला थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग कल ही बताए ये है ना तो इसको कैसे गलत कर सकते हैं आप चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मिनी ऑफ टेरेस टेरस मिनी ऑफ टेरस फिलिप्स ये एक नया स्पीशीज है एक नया प्रजाति है जो कि इसकी उंगलियां बड़ी लंबी होती हैं ठीक है और ये चमगादड़ है और उंगलियां लंबी होती हैं चमगादड़ है पूछा जा, जा रहा है कि भारत में मिलता है भारत के साथ साथ किस कंट्री में इसको मिलता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में तो भारत के साथ साथ इसको नेपाल में नहीं श्रीलंका में खोजा गया है ठीक है नेपाल 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 हाँ सुरेंद्र कुमार जी आप नहीं थे कल के सेशन में कैसे बोल रहे नेपाल हाँ चले तो अब ये बीसवा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के बाद आप मुझे बताएंगे आपका स्कोर तो हर जगह चर्चा हो चुकी है खबर न्यूज़पेपर में आ चुका है पोस्टर लग चुके हैं क्या कि एनडीटीवी जो न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड है एनडी इसने मतलब किस ग्रुप ने किस कंपनी ने इसके 29.2 को एक्वायर कर लिया है तो आप जानते हैं कि ये अडानी ग्रुप है अब प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा ठीक है ओके 20 में 20 बहुत लोगों का आया है कुछ लोगों का 19 भी आया है ओके ठीक है 19 आया है, जी, मैक्सिमम 20 20 तो तो उनको सैटरडे में आ जाएगा फुल मार्क्स इतना हमको उम्मीद है और मुझे ज्यादातर लोग बेटा ज्योग्राफी क्लास मंडे से होगी ठीक है ज्यादातर लोग जो हैं वो बीस में बीस बता रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जवान कि अगर एक नॉर्मल से क्लास में मैंने आपसे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछ लिए 20 20 तो तो आएंगे बस छोटे छोटे 50 क्वेश्चन और तब जब तुम्हारा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा जोग्राफी चल रहा है हिस्ट्री हो जाएगा करंट अफेयर्स रोज चल रहा है क्या आप बीस में बीस स्कोर नहीं कर सकते हाउ इज द हाँ? तो बीस में बीस स्कोर नहीं आएगा क्या मैं आपसे एग्जाम के दिन नहीं पूछ सकती कि हाँ मेरे टोटल पचास में पचास आए मैम हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आए हैं और मैंने सही कर दिया है।, है ना कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो इसीलिए जब आप जीके की बात करते हैं करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उससे घबराना नहीं है उसे डरना नहीं है ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्या चाहिए आपका अटेंशन चाहिए कोई भी सब्जेक्ट जिसपे आप ध्यान देते हैं ना जिसको आप बहुत एकदम प्यार से पढ़ते हैं कि नहीं मुझे तो ये वाला सब्जेक्ट अच्छे से करना है तो वो सब्जेक्ट आपका अपना बन जाता है कभी आपको धोखा नहीं देगा तो इसका हम लोग क्या करते हैं हम लोग तो आपके साथ है ही रोज सुबह एक घंटे रिविजन कभी कभी दो घंटे रिविजन कभी कभी ज्यादा भी होता है तो आपको बस यहाँ पे भी अगर आप रहेंगे तो आई प्रोमिस यू नहीं छूटेगा क्वेश्चन ठीक है चले तो अब नेक्स्ट सेट के लिए बढ़ते हैं फिर से मच्छर दिवस पूछा जा रहा है आपसे मच्छर दिवस पूछते पूछते आप लोग भी लग रहा होगा बहुत बढ़िया जोश इज वेरी हाई एक्सीलेंट सबका सेशन होगा सबका सेशन होगा तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बस बताना है कि मैम मुझे कौन सा से सेशन uh, चाहिए सब मिल जाएगा ठीक है हाँ वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे मच्छर दिवस ये कब मनाया मनाया जाता जाता है 20 अगस्त को मनाया जाता है और यह आप देख सकते हैं कि इस बार हम सारा इनोवेशन सब एनर्जी कौन से बीमारी को हटाने में लगा देंगे मलेरिया ठीक है सीनियर सिटीजन ठीक है वरिष्ठ नागरिक ओके तो वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आप लोग बता दीजिए जो भी स्टूडेंट इस वीक में सेशन किए हैं रेगुलरली सब बता देंगे अच्छा सपना का एग्जाम है तो ये एक एक करके क्वेश्चन बता रही है कि सीनी शेट्टी जो है वो फेमिना मिस इंडिया रही मिस इंडिया वर्ल्ड कौन रही वेरी गुड एक्सीलेंट इनपुट तो ये वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट तो रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म तो टेररिज्म से जो लोग प्रभावित हुए हैं जो लोग उसके विक्टिम हैं पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग 21 अगस्त के दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं देखिए दिवस जो है ना वो पूछा जाता है हम जानते हैं कि आपको नहीं अच्छा लगता होगा कि मैम नहीं याद होता इतना दिवस लेकिन ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आपको पढ़ना पड़ेगा हाँ सेवनटीन

ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है सत्रवा है ये थर्ड एडिशन ऑफ बैक्स तो वी से होता है वियतनाम आई एन से होता है इंडिया बाइलेट्रल आर्मी एक्सरसाइज अब आपको पता है कि विन मैक्स जो है मैडम आप स्टेट पूछ रही हैं क्या बात है हम आपको यह भी बता देंगे कि यह चंडी मंदिर में होता है।, है ना चंडी मंदिर में बोल रहे हैं हाँ सैटरडे को एंजॉय करते हैं बिल्कुल तो ठीक है देखिए डिवीजन का सच में एक्चुअली जादू होता है हम सैटरडे को इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि कोई एफर्ट नहीं डालना है हमको पता है कि एक वीक हम पढ़ा चुके हैं मंडे से फ्राइडे अब बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन देखते ही पटाख से बोल रहे मैम इंडियन एयरफोर्स पूछ रही है पिच ब्लैक पूछ रही है बहुत सारा देश पार्टिसिपेट करता है इंडिया भी करेगा ये तो ऑस्ट्रेलिया में होगा साथ ही साथ बहुत लोगों को ये भी याद होगा कि सिक्कोई जिसको टेक्निकल में इंटरेस्ट है कि सिकोई थर्टी एम के फाइटर आने वाला है यहाँ पे ओके तो साउथ कोरिया में हुआ हमारे देश के किस जवान ने ठीक है एनर्जी तो किसने जीत लिया है यहाँ पे शूटिंग में वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारत के लिए तो भारत को गौरवान्वित करने वाले कौन है इनका नाम है देखिए फिर ऊपर नीचे हो गया राहुल झाकर ठीक है राहुल झाकर फिर आप बताएंगे कि कौन बन गए सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर यू आ रहा है यू तो ये भी आपको पता है कि ऑप्शन नंबर तीन होगा राजेश वर्मा जी राजेश वर्मा ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है कि यूनियन होम मिनिस्टर सेक्रेटरी फॉर वन ईयर तो अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी के सेक्रेटरी का नाम याद है तो होम मिनिस्टर सेक्रेटरी का नाम भी याद होगा तो इनको फिर से बोला गया है कि नहीं अभी आप रहिए एक साल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एकदम आराम से एक साल और काम कीजिए तो यह है अजय कुमार भल्ला बहुत बढ़िया अजय कुमार भल्ला आपको याद है नेक्स्ट है कि इंट्रोस्पेक्शन आर्म ट्रिब्यूनल तो कौन से हमारे मंत्री हैं जिन्होंने इसको इनोग्रेट किया क्या इनोग्रेट किया इन्होंने नेशनल सेमिनार को इनॉग्रेट किया कहां पे हुआ है नेशनल सेमिनार ये हुआ है न्यू दिल्ली में तो आर्म फोर्सेस है तो हर जगह मोदी जी थोड़ी जाएंगे राजनाथ सिंह हमारे जो मंत्री हैं किस चीज के रक्षा मंत्री हैं फिर मॉस्कटोड डे मॉस्कटोड डे का मनाते हैं आप लोग तुरंत पता है बीस अगस्त को ठीक है अक्षय ऊर्जा दिवस तो देखिये रिन्यूएबल एनर्जी से इतना काम हो रहा है तो अक्षय ऊर्जा दिवस आप कब मनाते हैं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने के लिए पहला दिन कौन सा है तो दिन कौन सा है ये है आपका 20 अगस्त वो अक्षय का मतलब होता है अमर तो वो जगह जब जो कभी खत्म मतलब वो चीज जो कभी खत्म ना हो ठीक है नेक्स्ट राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है और सद्भावना दिवस जो है वो किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है एक सिंपल सा आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि सद्भावना दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं तो ये राजीव गांधी है राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे सद्भावना दिवस मनाते हैं गोवा एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे हर घर में क्या है जल तो अब इसका आंसर भी आपको पता ही है कि अगर कोई भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ हर घर में जल है तो आप बोलेंगे मैम अब हमको चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली याद होने लगी हैं जैसे पॉलिटी याद हो गई ज्योग्राफी याद हो रही है वैसे ही गोवा का ये सब तो करंट अफेयर्स भी याद हो गया है ना ठीक नेक्स्ट है तो ये हम थोड़ा थोड़ा बीच में आपको हिंट दे रहे हैं तो बोनस मार्क्स हो गया आपका तो इसको देखते हुए अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि केरला के कोजी कोडे में है और यहाँ पे ऑल विमेन ब्रांच है यानी कि सारी जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं वो कौन है वो विमेन है क्या आई एम वेरी आप लोग बीच बीच में कमेंट भी देख लेते हैं हम आंसर दे रहे हैं क्या स्टूडेंट कह रहे हैं मैम इसका नोट्स बनाए या ओनली only... देखो हम एक बात बोलेंगे अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आप नोट्स कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए लेकिन अगर आप रेगुलर रहिएगा ना मेरे साथ आप एक महीने में अंतर पाइएगा जैसे बोलते हैं बिफोर आफ्टर क्योंकि एक ही चीज हम बहुत बार रिवाइज करवा देते हैं और आते हैं वो क्वेश्चन ठीक है जब भी करंट अफेयर्स आएंगे यहीं से आएंगे छूटेगा नहीं कुछ और बार बार डिविजन होते रहेगा आप भी बोर हो जाइएगा अरे मैम याद है एच है ना ठीक है विद्या रथ विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स याद कराने का काम मेरा है हम याद बड़ा अच्छा करवाते हैं मेरे छोटे भाई बहन लोगों लोगों को लोगो पीट पाट के हम याद करवा देते हैं चीजें तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए बस आप अपने रेगुलरिटी का टेंशन लीजिए कि आप रोज आएंगे वो इम्पोर्टेंट ठीक है थीके? तो ये जो है विद्यारथ ऑन व्हील्स ये आपका असम हिमंता विश्वास शर्मा जी ने इसको स्टार्ट किया है नेक्स्ट कितने शहर हैं जो सफाई मित्र सुरक्षित शहर हैं यानी कि एकदम साफ सुथरा शहर है ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है एकदम सफाई सुरक्षित शहर है तो टोटल कितने शहर है पांच सौ ऐसे शहर है जो सफाई मित्र सुरक्षित शहर है यहाँ पे आप याद रखेंगे एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी सफाई से रिलेटेड बात है शहरों का बात है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का होता है ठीक है चले कौन सा ऐसा शहर है जो कि दुनिया का हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर है यानी कि यहाँ पे जो आपके कन होते हैं जो प्रदूषण होते हैं जो गंदगी होती है है ना वो पीएम 2.5 सबसे ज्यादा है और ये है कहाँ पे भारत के दिल्ली में तो भारत के दिल्ली में हमारा देखिए बहुत लंबा चौड़ा इसका लिस्ट हो गया एक तो हम हाईएस्ट हो गए ऊपर से कलकत्ता सेकंड पे आ गया और मुंबई फोर्टीन पे आ गया तो पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर इतना छोटा छोटा उसका कन होता है कि सीधे नाक के थ्रू फेफड़े में जाके सट जाता है इसीलिए प्रदूषण के कारण एयर पोल्यूशन के कारण लोगों का निधन हो जाता है ऐसा भी होता है तो ये फोटो आप देख चुके हैं इससे आपको चीजें याद हो गई हैं अब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि वोस्तोक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज ये हुआ तो इंडिया और चाइना के बीच में लेकिन ना इंडिया में हुआ ना चाइना में हुआ तो हुआ कहां? तो वोस्तोक जगह कहाँ पे है तो ये जगह कहाँ है ये है रशिया में बोल रहा है बनारस में भी बहुत प्रदूषण है ये भी लिस्ट में है अच्छा तुम तो बनारस में रहते तो ये भी कहाँ पे है रशिया में है पूरे देश का आम नागरिक तो जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ये किस बारे में है कि जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं उन एयरपोर्ट को हम बड़े एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे उससे क्या फ़ायदा होगा उससे ये फ़ायदा होगा कि बड़े एयरपोर्ट जो बड़े अच्छे लगते हैं विकसित होते हैं ये सब है ना तो छोटे एयरपोर्ट भी उसी तर्ज पे आगे डेवलप करेंगे और फ्लाइट्स यहाँ पे से भी चलेगी और लोग आएंगे यहाँ से भी उड़ान भरने तो ये ये पूरा स्कीम स्कीम जो हमने बनाया कितने साल हो गए को हमने बनाया 2017 में और अब 2022 हो गया तो पांच साल हो गए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम को और 200 बच्चे अभी एक्चुअली क्या हो रहा है हर बार 200 नए बच्चे आ रहे हैं तो 200 नए बच्चे जो हैं वो सेशन को लाइक कर दीजिए आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मैं एक मतलब एक वो हो जाऊँ सेटिस्फाइड कि हाँ सैटरडे का सेशन था डिविजन सेशन था बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और सेशन को लाइक भी किया कि पसंद आया ये एक जरिया है बताने का कि आपको पसंद आया कि नहीं ठीक है और साथ ही साथ मुझे अपना स्कोर भी बता दो बीस क्वेश्चन तो हो गए है ना बोल रहे हैं आज आप बहुत अच्छी लग रही है देखो हम एक बात बताएं एक्सपीरियंस से बताते हैं कभी भी किसी लड़की को ये मत बोलो कि आज आप अच्छे लग रहे हैं बुरा लगता है कि अच्छा मतलब रोज अच्छे नहीं लगते हैं आज अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा बोली कि रोज की तरह है ना हम मेरे पे ट्राई मत कर देना हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए बता रहे हैं ओके बीस में बीस आया है एक गलती क्यों हुआ कुछ लोगों का एक गलत भी हुआ है देखो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है आप लोगों को लग रहा होगा कोई बात नहीं ठीक है 18 आ गया और 90% तो आ गया नहीं आप उस पे थोड़ा गॉड फरमाइए धीरे-धीरे कोशिश ये करें कि आप चीजों को लेकर ज्यादा एक्यूरेट हैं क्योंकि अगर आपने अभी सोच लिया कि मुझे एक भी गलती नहीं करनी है तो ही वो चीज एग्जाम में मेंटेन होता है क्यों ऐसा होता है कि जो आपके स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं टॉप करते हैं फिर उनको अच्छा कॉलेज मिलता है वहां टॉप करते हैं फिर बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनको ना आदत हो गई उस चीज़ की समझ लो अब जैसे मेज आती है मेरे को करंट अफेयर सुबह पढ़ाने की आदत है अगर मैं नहीं करूंगी मेरे को लगेगा कुछ मिसिंग है कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं हो पाता है सेशन जैसे कल संडे है ना तो लगता है कि कुछ मिसिंग है इवन संडे को भी लगता है कि नहीं तो उसको फिर मंडे को कवर किया जाता है राइट तो वो चीज़ जो आदत है ना कि नहीं मैं गलती नहीं करूँगा मैं कुछ गलत नहीं करूंगा मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा एग्जाम है उसको सीरियसली लूंगा इसको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करके ही एग्जाम में जाऊँगा यही आदत जो है वो आपको आगे लेकर जाएगी ये जो आदत है ये जो दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है मुझे सुबह उठना है मुझे पढ़ाई करनी है आलस नहीं करना है बहुत लोग आगे जा रहे हैं हम ऐसा नहीं कि उनके कंपटीशन में जाओ मुझे भी आगे बढ़ना है ये जो ये थोड़ा सा एनर्जी जो है ना बहुत छोटी चीज़ है लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा एनर्जी आपको सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में ठीक है चले तो बीस में बीस आया है लेकिन कोशिश ये करेंगे कि और इसको बेहतर करेंगे जिसको उन्नीस आया अठारह आया है एक एक नंबर दो दो नंबर भी मैटर करता है ठीक है चले अब है मांडला डिस्ट्रिक्ट है अब देखिए थोड़ा सा ये पढ़ाओ टफ है क्योंकि इसमें पांच ऑप्शन तो पांच ऑप्शन का प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं आपको ऑप्शन तो एग्जाम में चार ही आएंगे लेकिन स्टिल थोड़ा सा और इसको हम लोग टफ करना कर, करने का कोशिश कर रहे हैं मैम पुरानी चीजों को कैसे याद रखे रिविजन करिए रिविजन रिवाइज रिविजन ही मेन चीज है पढ़ तो लेंगे आप लोग सब कोई पढ़ेगा ही लेकिन रिविजन ही मेन चीज है ठीक है पुनीत हाँ देख लिया हम आपका कमेंट पुनीत ठीक है तो ये देखिए मांडला जो है ये डिस्ट्रिक्ट क्या है फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है यानी कि पूरा एकदम पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे है ये है आपका मध्य प्रदेश में तो मांडला कहाँ पे है मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन गया है जो भी हमारे देश में और डॉलर वन बिलियन तक का यहाँ पे ले आता है इस अकॉर्डिंग फंडिंग वो क्या बन जाता है यूनिकॉर्न तो यूनिकॉर्न बनने वाला 106th कंपनी कौन सा है तो 106th कंपनी है शिप रॉकेट शिप रॉकेट ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है और इसमें ज़ोमैटो का भी शेयर है ओके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन तो इन्होंने क्या किया है फ्लैगशिप प्रोग्राम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान को कितने साल हो चुके हैं देखिए बार बार यही पूछा जा रहा है हम एक चीज देख रहे हैं कि अभी 2022 है तो 2017 हजार वाले स्कीम पूछे जा रहे हैं क्योंकि सबका पांच पांच साल हो गया है तो ये है आपका जानते हैं पांच साल है ठीक तो दो क्वेश्चन ऐसे ही हो गए अब है मेक इन इंडिया नंबर वन मिशन अब ये एक ऐसा स्टेट है ये एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो बोलता है ना हम देश को नंबर वन ही बनाएंगे आप लोग भी सोचिए हम अपने आप को नंबर वन ही बनाएंगे है ना तो ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है इसका नाम क्या है तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम है दिल्ली तो दिल्ली जो है वो कहता है कि हम अपने देश को नंबर वन बन बनाएंगे दही हांडी एक त्यौहार है दही हांडी त्यौहार है और आपसे पूछा जा रहा है ये किस स्टेट का त्यौहार है मतलब अब बन गया है अब इसको ऑफिशियल स्पोर्ट बोल दिया गया है तो अभी जन्माष्टमी हम लोग मनाए हैं है ना तो ये दही हांडी जो है ये महाराष्ट्र का त्यौहार हो गया है प्रवासी दिवस के बारे में आपको पता ही है प्रवासी दिवस इंदौर में होने वाला है तो बस आपसे यही पूछा जा रहा है कि सेवनटीन्थ प्रवासी दिवस है बड़ा इजी क्वेश्चन है लेटे लेटे सोए सोए पढ़ते पढ़ते खाते खाते किसी भी कैसे भी आंसर दे सकते हो इसका तो इंदौर में इसको मनाया जा रहा है ओके okay. अब देखिए आर ने रिवील किया है कि जो भी बैंक पैसे ट्रांसफर करती है फिनेस देती है उसका सबसे ज़्यादा शेयर इस स्टेट को जाता है अब ये स्टेट कौन सा है हैज़ अकाउंटेड द हाइस्ट शेयर इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेंक्शन बाई द बैंक एंड फिनंशियल इंस्टीट्यूशन तो विच इज दैट स्टेट विच इज दैट स्टेट द स्टेट इज यू कैन सी ओवर हेयर राजस्थान राजस्थान वो स्टेट है थोड़ा स्लो कीजिए अच्छा

चलिए ठीक है हम देख लेंगे फऱहान ब्रेकअप हो गया है नदीम अच्छा नदीम का ब्रेकअप हो गया है सबको इसको बोल दो गेट वेल सून तो नदीम गेट वेल सून और ब्रेकअप पढ़ाई समझ करना बस ठीक है बाकी जगह से चलता है कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है तो अच्छा है अब नया शुरुआत ठीक तो अजय कुमार भल्ला हैं इनका मैं बोलने वाली थी ब्रेकअप हो गया इनका एक्सटेंड हो गया है एक साल के लिए टर्म राजनाथ सिंह जी ने इनोग्रेट किया इंट्रोस्पेक्शन आर्म फोर्सेस आपको पता है तो बस हम यही पूछ रहे हैं कि किसने इनोग्रेट किया है बोल रहे गेट तो बस हम्म अच्छा मैडम इसके बाद सब जेई की वैकेंसी कब आएगी हम um, पूछते हैं कॉल करके एस एस सी जे का नंबर सेव्ड है मेरे में व्हाट्सएप कॉल भी होता है ठीक है पूछते हैं राजनाथ सिंह जी जो हैं वो इनको मिला इंट्र, इंट्रोस्पेक्शन का फिर आप देख सकते हैं यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो वास्तविक एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होगा देखो यही क्वेश्चन हम कितने है? बार आप लोग को याद करा देंगे रटा जाएगा रशिया में होगा राइट

अब डोनी पोलो एयरपोर्ट बना है पहले इस स्टेट में एक भी एयरपोर्ट नहीं था अब ये जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है वो ये तीसरा एयरपोर्ट बन गया है क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये किस स्टेट का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है बिल्कुल बता सकते हैं क्या दिक्कत है तो अरुणाचल प्रदेश का ये तीसरा एयरपोर्ट बन गया है कौन सा डोनी पोलो एयरपोर्ट ओके नाम से ही पता चल रहा है फिर आप देखिए चैम्पियनशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है और वो चाहते हैं कि हम कुछ नया शुरू करें तो चैम्पियनशिप स्टार्टअप फ़ॉर सीनियर सिटीजन शुरू करने वाले नागरिक का नाम क्या है मतलब कौन से ये इन्फ्लुएंसर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं तो ये रतन टाटा जी हैं मुझे ये सच्चे देशभक्त लगते हैं क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना हर चीज़ में काफ़ी उम्दा है काफ़ी अच्छा है ये यूथ के बारे में भी सोचते हैं और आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के बारे में भी सोचते हैं स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम तो स्कूल में हाइजीन सिखाने के लिए बच्चों को समझाने के लिए कि साफ सफाई कितनी इंपॉर्टेंट होती है तुम लोग भी अपना साफ सफाई देखो बाल वाल झाड़ लो कपड़े साफ सुथरे पहनो खुद से धोके यानी मम्मी को दे दे मम्मी ठीक है तो खुद से साफ कीजिए स्व जैसे हम बोलते हैं ना बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं पेड़ वाले बच्चे जानते हैं कि गांधी जी के कुक का नाम पता है आपको एग्जाम में आता है तो क्या है कुक का नाम गांधी जी के लिए जो खाना बनाते हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है स्वयं गांधी जी क्योंकि गांधी जी जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे सेल्फ डिपेंडेंट थे राइट बिल्कुल तो आप लोग भी वैसे ही बनिए और ये उत्तराखंड है जो बच्चों को हाइजीन सिखाएगा नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मिलेट मिलेट का मतलब क्या होता है रागी बाजरा ज्वार है ना मोटा अनाज जो होता है जो हमारे पूर्वज खाते थे जो पूर्वज भी उतना पुराना नहीं दादा दादी से भी पूछोगे तो ये लोग मोटा अनाज खाते थे इसीलिए ये लोग इतने स्ट्रांग हैं और हम लोग तो अभी से मतलब अभी भी तुम लोग का भी जो एज होगा भाई बीस बाईस तेईस चौबीस उसी में जो अभी लुचपुच लुचपुच ढीला ढाला टाइप हो तो ये मिलेट जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये उड़ीसा सरकार कह रही है कि भाई मिलेट के लिए हम काम करेंगे मिलेट को अच्छा बनाएंगे ठीक है ओके अब वो फोटो देख लिए पटाख से अब इसका पटाख से आंसर दो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि थीम आई आर डी ए आई का जो फर्स्ट हुआ है बीमा मंथन तो इसका थीम क्या है आप बताइए कि आई आर डी ए आई आई आर डी ए आई क्या है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होता है ना जो आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी सब जो रूल रेगुलेशन फॉलो करता है वो इसका ही फॉलो करता है आई आर डी ए आई का ठीक है तो इसको याद रखेंगे इनोवेशन इंश्योरेंस इसका थीम है पैन इंडिया पैन इंडिया मतलब क्या होता है पूरे भारत में ठीक है तो पैन इंडिया ऑपरेशन ऑपरेशन यात्री सुरक्षा तो यात्री सुरक्षा यानी कि यात्रा करना यात्रा करना यानी कि बस ट्रेन फ्लाइट ऐसे जगह बैठना पड़ेगा तो यहां पे यात्रा कौन करवाएगा तो आर लग रहा है क्योंकि क्या है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ठीक तो अब देखिए ये कुछ मिशन है जो हम बता चुके थे पहले भी आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है क्या क्या तो सतर्क है कि आप लोग ध्यान रखिए कि कहीं बगल में कहीं इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं चल रहा है आहत आहत जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यानी कि लोगों का तो तस्करी नहीं चल रहा है ऑपरेशन मेरी सहेली तो मेरी सहेली सहेली से समझ रहे हो वुमेन के लिए है कि वुमेन जो है वो आराम से जाएं ऑपरेशन गंगा गंगा जो है वो यूक्रेन का है यूक्रेन से लोगों को भारतीयों को निकालने के लिए अगर भारत का तिरंगा भी लेके कोई खड़ा है तो उनको भी रेस्क्यू किया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ से निकालने के लिए अफगानिस्तान से निकालने के लिए ठीक है तो इसको आप ध्यान रखेंगे ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा मुझे लगता है ये ज्यादा पूछा जाएगा और इसमें से बस सर्द हवा बी का है सर्द हवा जो कि राजस्थान के बॉर्डर पे ठीक चलें अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि बैंक ऐसा बन गया फर्स्ट डेडिकेटेड स्टेट ऑफ आर्ट इन बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर शहर में इस बैंक ने डेडिकेटेड स्टेट ऑफ आर्ट बैंक है यानि इसका क्या मतलब कि जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो यहाँ पे आराम से यहाँ से पैसे ले सकती हैं तो ये बैंक कौन सा है ये है एस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों देखें आ गया है एस एस सी जेई का फॉर्म हाँ वो तो हमको पता ही है बेटा ज्योग्राफी की क्लास जो है ना वो मंडे से शुरू हो जाएगी ठीक है मंडे से शुरू हो जाएगी आज डी का मैराथन है डी आर अच्छा कितने बच्चे हैं जो डी का भी फॉर्म भर रहे हैं डी में सिर्फ जेई वाले भरेंगे फॉर्म और जो जेई करके बीटे के हैं वो नहीं भरेंगे पता है ना तो बता दीजिए डी के कितने बच्चे हैं एक बार वाई लिख दीजिए हाँ हाँ बिल्कुल डीआरडीओ का भी आ गया वैकेंसी और डीआरडीओ में बीटेक वाले भी हैं और बीएससी वाले भी हैं ठीक है ठीक सबसे ज़्यादा विश्वास हमको डिफेंस फोर्सेस पे है फिर आरबीआई पे और फिर प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में ठीक अब ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए तब तक मुझे अच्छा मैं 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 अच्छा यानी अच्छे खासे लोग हैं जो डीआरडीओ के लिए भरेंगे तो आप चिंता मत कीजिए डीआरडीओ का जो सीबीटी वन होगा यानी कि उसमें आपके पांच सब्जेक्ट हैं मैथ्स है आ, रीजनिंग है फिर जनरल अवेयरनेस है साइंस है और अंग्रेजी भी है तो इसके 120 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे पांच सब्जेक्ट हैं तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 24 पच्चीस क्वेश्चन ईच का पूछा जाएगा तो इसका हम लोग भी अब शुरू करेंगे तैयारी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो सारी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी नहीं बीटेक वाले नहीं भर सकते हैं डीआरडीओ ठीक है सिर्फ अ, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं ये भी अच्छी वैकेंसी है 1900 से ज़्यादा वैकेंसी है इसमें और मेन मकसद तो है पहले जॉब लेना तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है ओके okay. अब आपसे पूछा जा रहा है विच इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया तो ये कॉर्निया प्रिंट करने वाला कौन सा है भाई आई आई टी हैदराबाद देख लो प्रो लेवल हाँ फिर ये तो अब तुमको रटा गया तो बोलने का जरूरत नहीं है ठीक तो अब ये फोटो देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए देखिए अब ये आंसर क्यों आपको याद रखना है मैं बताती हूँ इसका कारण क्या है ना कि भले आपसे ये पूछा ना जाए डायरेक्ट कि ना एन ए बी एफ आई डी भले डायरेक्ट ना पूछा जाए लेकिन ये जिसका आंसर है वो ऑप्शन में हो सकता है ठीक है ऑप्शन में हो सकता है तो ये है राजकिरण राय जी जो कि क्या बन गए हैं राजकिरण राय एमडी बन गए हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एन ए बी एफ आई डी तो इसके ये बन गए हैं क्या एम डी साथ ही साथ रखेंगे तो, वर्ल्ड का इसमें डिप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो ये है विश्वनाथ आनंद विश्वनाथ आनंद और फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आई आर तो सी एस आई आर यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो रिसर्च का होता है इंडस्ट्रियल रिसर्च तो इसमें नल्ला थमी कले कलाई सेल्वी ये पहली विमेन बन गई हैं यहाँ पे डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ किसके यूनिटी एसएफ बैंक के तो इंद्रजीत कामोत्रा बने हैं और सीएफओ भारत पे के कौन बने हैं नलीन नेगी बने हैं सीवीसी कौन बने हैं इसको याद रखेंगे सुरेश एन पटेल सीवीसी चीफ विजिलेंस ऑफिसर बन गए हैं अभी देखिए ये अमिताभ चौधरी जी हैं इनका निधन हो गया है ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं अमिताभ चौधरी जी जो हैं ये आपसे पूछा जा रहा है इनका निधन हो गया है ये किस स्टेट के क्रिकेट बोर्ड से एसोसिएटेड रह चुके हैं अमिताभ चौधरी तो अमिताभ चौधरी कहाँ के हो गए हैं तो ये रिलेटेड है कहां से ये रिलेटेड है आपके झारखंड के ठीक है द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी गैलेंट्री अवार्ड दिया है ठीक है तो गैलेंट्री अवार्ड जो इन्होंने दिया है आर्म फोर्सेज एंड सीएपीएफ को तो आपसे पूछा जा रहा है कितने लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिला है डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल नहीं है नहीं डीआरडीओ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और बाकी बी वाले <clears throat> तो यहां पे इन्होंने 107 लोगों को दिया है ठीक है नेक्स्ट ये सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं है ना इस इस मंथ वीक मतलब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टेट जो है वो कुछ बच्चों को फ्री में कोचिंग करवाएगा तो ये कोचिंग जो है योजना ये किस स्टेट का है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना यह राजस्थान का है राजस्थान में आप जानते हैं कि कोटा में बहुत सारा ऐसा है कंपनी वहां पे कोचिंग होता है इंस्टीट्यूशन लोग जाते हैं बहुत देश भर से बच्चे जाते हैं वहां पढ़ने जेई और नीट का तैयारी करने राइट सेंटर पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम ये फेशियल रिकॉगनाइजेशन पे यानी कि सरकार चाहती है कि आपका बस फेस देख के वो बता देगी कि आपको ये स्कीम चाहिए कि नहीं चाहिए आप बेनिफिशियरी हैं या नहीं है ठीक है तो ये जो है ये कौन सा है ये डीजी यात्रा है डीजी यात्रा में ये फेशियल रिकोगनाइजेशन सिस्टम आ गया है कहाँ के स्टेट के पुलिस हैं जो कि कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस इनको क्या मिला है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ अवार्ड्स मिला है सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है इनको किस दिन तो आज़ादी के दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन सबसे ज़्यादा पुरस्कार इस इनको मिला है और ये कौन है ये हैं आपके जम्मू कश्मीर का पुलिस ठीक है जम्मू कश्मीर पुलिस उसके बाद बीएसएफ फिर आईटीबीपी और फिर सशस्त्र सीमा बल ओके okay? अब ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है हमने किसको दिया है श्रीलंका को दिया है ठीक है चीजें याद आ रही है ये सब ओके okay. अब देखिए हमने एक एंटी पर्सनल माइंड बनाया है एंटी पर्सनल माइंड पर्सनल माइंड का मतलब क्या होता है कि भाई इस पे अगर कोई टैंक चढ़ेगा तो वो उड़ जाएगा और ये जो हम बना रहे हैं ना इंसेस यानी कि सोल्जर को एक सिस्टम की तरह बना रहे हैं तो हमने उनको एक ऐसा बॉम्ब एक ऐसा माइन लगाया दिया है कि वो माइन लगाएंगे और दुश्मन का टैंक जो है वो उड़ जाएगा तो इसका नाम क्या इस है इस माइन का यह है निपुण बिल्कुल तो निपुण यानी कि अब हम अपने सोल्जर्स को पूरी तरह से निपुण बनाएंगे उनके पास हाई टेक्नोलॉजी का राइफल्स होगा बहुत अच्छा सूट होगा हेलम सूट मतलब कि ड्रेस हेलमेट होगा चश्मा गॉगल्स ताकि वो हर एक टेम्परेचर में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कर सके ठीक थ्री डी कॉर्निया यार तो थ्री डी कॉर्निया मतलब आंख का जो कॉर्निया जो उजला वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं उसको कॉर्निया कहते हैं तो आंख का वाइट वाला पोर्शन कौन होता है अब इसका थ्री डे सिस्टम बन जाएगा तो ये जो थ्री डी सिस्टम बनाया जाएगा ये कौन सा आपका आई आई बनाएगा तो आई हैदराबाद बनाएगा थ्री डी सिस्टम नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है देखो अब यही चीज कहते हैं कि बार बार आपसे इसलिए पूछते हैं तो नेट ग्रिड के सीईओ कौन है अब देखें अगर आपको याद होगा अभी हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट बताए हैं तो बहुत इसमें से तीन लोग ऑप्शन में ऑलरेडी थे कौन बचे पीयूष गोयल के बारे में हमने कुछ नहीं बोला था ये मंत्री वाले पीयूष गोयल नहीं है ये आई ऑफिसर है नागालैंड का कैडर है इनका और यहाँ पे ये निट, वही नाट ग्रिड के हैं सितारा इम्तियाज सम्मान तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनको ऑनर दिया गया है कि तुम हो सितारा इम्तियाज सम्मान एवॉर्ड इनको मिला है तो कौन है बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं बहुत अच्छा एकदम सिक्स और फोर बहुत ज़्यादा मतलब ये तो मैंने देखा है बहुत जगह ये बेस्ट के श्रेणी में भी है वर्ल्ड नंबर वन तो यहाँ पे ये है कौन बाबर आजम हम अच्छे से तारीफ नहीं कर पाए ठीक है आप समझ रहे हैं कि हम क्रिकेट उतना देखते नहीं है बिश बिश्मा मरूफ को भी दिया गया है साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे अब मोदी जी हैं पंच प्रण ले चुके हैं आप लोग भी ले लीजिए जब जिसने भी अभी तक प्रण नहीं लिया है कि भाई परीक्षा निकालना ही निकालना है चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए इसको याद रखेंगे नासा का रॉकेट लॉन्च होने वाला है आर्टमीस मिशन आर्टमीस मिशन किस चीज के लिए है इसको याद रखेंगे चांद पे जाने के लिए है मेघालय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने दूसरा एडिशन नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का सेट कर दिया है ठीक है और मरियम तबस्सुम जी हैं इनको आर्किटेक्चर के लिए प्राइज मिल चुका है लिस्बन का पेमदा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम है मेडिसिन देंगे ये कहा से स्काई से ठीक है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि फ्री में विमेन को सैनिटरी प्रोडक्ट्स देता है तो ये विमेन को फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स देने वाले कौन सा कंट्री बन गया है ये कंट्री है आपका स्कॉटलैंड ये विमेन को फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स देता है राइट पीडीएफ आपको चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा नेक्स्ट अब देखें जल्दी जल्दी क्वेश्चन के कुछ कुछ आंसर दीजिए आप लोग बार बार बोल बोलते हैं कि मैम बड़ा टेंशन है कब से कब तक का करेंट अफेयर्स पढ़ना है तो हम आपको बोलते हैं टेंशन मत लो क्योंकि जनवरी से तो हम ही पढ़ाएंगे है ना तो जनवरी छोड़ो मतलब तो जनवरी हो जाएगा अभी ये अप्रैल है अप्रैल के करंट अफेयर्स आप बताइए पहले हज कमेटी में जाने के लिए चेयरमैन बने हैं तो आप जानते हैं हमारे देश के जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो हज में जाते हैं जो देखो सबका सबका अपना अपना मान्यता है कोई वैष्णो देवी जाता है कोई शिरडी जाता है कोई बुद्धिज़्म में मानता है तिब्बत जाते हैं तो हज में जाने के लिए चेयरमैन जो बने हैं ये हैं ए पी अब्दुल्ला कूटी ठीक यू एन देखिए अभी एफकेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं पाँच जून को बहुत बार हम बोले थे ओनली वन अर्थ ओनली वन अर्थ तो वही पूछा गया थीम UNEP हैज नेम्ड हु among the following as the recipient of champion of the earth तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड अब ये क्यों पूछा जा रहा है हम बताते हैं इसका कारण इसका कारण ये है कि एक बार यही अवार्ड मोदी जी को दे दिया गया कि आप भाई हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो अब ये अवार्ड जो है डेविड एटनबोरो को दिया गया है ठीक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक अल्पसंख्या दिवस तो तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई हम अल्पसंख्यकों के लिए भी दिवस मनाएंगे अल्पसंख्यक दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा अठारह दिसंबर को ये तमिलनाडु सरकार ने अनाउंस किया है इक्कीसवा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स तो ये जो सी ए होते हैं ये सब जो अकाउंटेंट होते हैं इनके लिए वर्ल्ड कांग्रेस दिवस ये है आपका भारत में इसको मनाया जाएगा नेक्स्ट रोबर्ट गोलोब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए रोबर्ट गोलोब देखो थोड़ा बहुत ना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट याद रखेगा क्योंकि हम देखते हैं कि एक शिफ्ट में अगर पूछ लिया गया कि नए प्रधानमंत्री चाहे नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो हर शिफ्ट में पूछा जाता है तो इसका आंसर आप हमको बताइएगा हम नहीं बताएंगे अच्छा हम बता दिए तो स्लोवेनिया इसका कैपिटल आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है चले फिर आप बताइए लाइट अवॉर्ड कॉमनवेल्थ लाइट अवॉर्ड इसके लिए किसको किया गया है कॉमनवेल्थ बोले तो वो सारे देश जो कि अंग्रेजों के अधीन रह चुके हैं तो ये है किशोर कुमार दास को मिला है ठीक नेक्स्ट आप देखें कौन सा ऐसा पंचायत है जो कि न्यूट्रल पंचायत है फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी पूरी तरह से इसमें सोलर एनर्जी है और ये न्यूट्रल पंचायत है देखिए जेडी हेमलेट अगर बोला जाएगा ना तो ये मिल्क विलेज है जम्मू कश्मीर का मिल्क विलेज है जेरी हेमलेट रियासी डिस्ट्रिक्ट का है और ये वाला जो आपसे पूछा जा रहा है ये पाली विलेज है संबा डिस्ट्रिक्ट का जम्मू का ठीक नेक्स्ट देखें विथ विच कंट्री केरला गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टैंडिंग फॉर प्रोजेक्ट अगर मान लो ये सवाल तुमको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया तो भी तुम इसका आंसर दे सकते हो अगर तुमने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी में हम हजार बार बोल चुके हैं मालावाड़ बोले तो केरला तो ये प्रोजेक्ट किसके बारे में केरला के बारे में तो कॉस्मास केरला प्रोजेक्ट जो है वो नीदरलैंड के साथ साइन हुआ था ठीक है चले लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर तो एकदम सर्वोच्च प्लेयर स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर लॉरियस के अकॉर्डिंग ये हैं फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर नहीं पिछले बार ये थे रॉबर्ट लैंडवॉस्की अब है ये एफ वन रेसिंग करने वाले प्लेयर जिनका नाम क्या है मैक्स वर्ड अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ठीक है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कर दें कि अगर आप पीछे रह गए हैं तो बिल्कुल पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एसएससी, डीआरडीओ, सारे जितने भी और जो नए बच्चे एफ कैट की तैयारी करना चाहते हैं सी डी एस में जाना चाहते हैं सारे बैचेस अवेलेबल है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे तो आपको बस क्या करना है इन बैचेस में इनरोल करने के लिए अगर आप एस एस सी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल या फिर डी आर डी ओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैचेस में आ सकते हैं महापैक ले लीजिएगा अब जैसे सिविल का महापैक है तो जो भी बच्चा जेई किया है डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है वो क्या कर सकता है कि वो सिविल के महापैक से सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है एक साथ एक्चुअली बेस्ट होता है क्योंकि अगर मान लीजिए एक एक जगह 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 आपका सोम चल रहा है तो दूसरी से आप एफएम पढ़ सकते हैं तो मतलब ही दूसरे बैच में चल रहा है राइट तो सब कुछ एक साथ रिवाइज कर रहे हैं हम बार बार एक चीज नोटिस किए कि एक किताब को धीरे 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 करके एक महीने में पढ़ने सच्चाई कि जल्दी जल्दी पढ़ के उसको तीन महीने पढ़ो तो मतलब तीन बार पढ़ो तीन महीने में नहीं तीन बार पढ़ो रिविजन करिए ज्यादा से ज्यादा रैपिड पढ़िए रैपिड रिवाइज कीजिए आराम आराम से पढ़िएगा सुस्त हो जाएगा नींद आएगा बोरिंग लगेगा बंद कर दीजिएगा एनर्जी खत्म हो जाएगा तो जब भी लगेगी जा हमको पढ़ना तो है लेकिन मेरा स्पीड कम हो रहा है तो अपने स्पीड को बढ़ा दीजिए ठीक है चले उसके बाद अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैचेस है लेकिन मेरा मानना है कि अग्निवीर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वायु नेवी आर्मी सब दीजिएगा तो इससे अच्छा है कि अग्निवीर का महापैक ले लें अग्निवीर का महापैक जो है वो आपको साल में छः एग्ज़ाम देने का मौका देता है फेबररी में आएगा पहले वायु होगा उसके बाद आपका नेवी है फिर आर्मी है और फिर अभी जैसे आया है वायु हो चुका है फिर नेवी है फिर आर्मी है तो ये अग्निवीर वीर के महापैक का फ़ायदा है इसके साथ साथ आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी डिफेंस महापैक के साथ कर सकते हैं अब एक, कैसे जाना है मैडम इस कोर्सेज में कैसे जाना है कोर्सेज में जाने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि आपको सिंपल गूगल में जाना है ठीक है गूगल में जाने पे आपको टाइप करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ये एक ऐसा वेबसाइट है ऐप तो होना ही होना चाहिए जो कि आपके हर एक सरकारी नौकरी का तैयारी आपको करवा देगा यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाएँ आप गेट इंजीनियरिंग की तैयारी करें उस पर क्लिक करें एसएससी है यहाँ पे डीआरडीओ है डीआरडीओ के भी नए पैक्स आ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी सेप्टम की तैयारी आपको कराई जाएगी सेप्टम टेन आएगा तो ये इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सबके बैचेस हैं साथ ही साथ आपको सेप्टम वन के भी बैचेस अलग से मिलेंगे कि टीयर वन लेकिन उसके तुरंत बाद टीयर टू आ जाएगा तो इसमें बस आप जा सकते हैं अगर हम आपको दिखाएं ये बैच तो ग्यारह ज्यादा हो गया ये तो।, तो एक काम करते हैं हम इसमें ना एक कूपन कोड लगा देते हैं वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर देते हैं वाई तीन सौ बत्तीस तो वाई तीन सौ बत्तीस ऐसा कोड है जिसको आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा ठीक है तो टू सिक्स फोर फोर रुपीज में आपको ये सेप्टम डी आर डी ओ की मिल गई साथ ही साथ आपको एस एस सी जेई तो करना ही है तो एक काम करते हैं हम लोग हम लोग ना ये महापैक में चलते हैं अब ये कुछ एक दो घंटे के अंदर ये डबल वैलिडिटी आपको दिखना बंद हो जाएगा मतलब आज डबल वैलिडिटी नहीं है लेकिन आपको अभी दिख रहा होगा तो अगर आप तुरंत अभी अभी लेते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा फ़ायदा क्या है कि जैसे आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का पैक है तो सिक्स मंथ का हम लेंगे छह महीने का लेंगे लेकिन अगर अभी तुरंत लीजिएगा मेरे साथ साथ क्लिक करके तो छः महीने के साथ साथ आपको ये एक साल का मिल जाएगा यानी कि सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ डबल वैलिडिटी और साथ ही साथ वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करने पे, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा तो ये है आपका महापैक का फायदा ये सिविल का है जैसे सिविल का है वैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी है तो Y332 कोड यूज करके आप इसको ले सकते हैं अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिफेंस का महापैक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफेंस का महापैक जिसमें असम राइफल बी एस एफ आई टी बी पी सी आई एस एफ सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ अग्निवीर सबकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ और यहाँ पे भी आप व्यू ऑफर्स करके वाई तीन सौ बत्तीस कोड यूज करके इसका फायदा ले सकते हैं डबल वैलिडिटी ऑफर का लेकिन ये तो अभी तुरंत खत्म हो जाएगा तो इसलिए अभी तुरंत ले लीजिएगा ठीक है वरना ये कुछ देर में खत्म हो जाएगा डबल वैलिडिटी तो यहाँ पे भी आप इसको परचेज कर सकते हैं तो भाई सब कुछ दे दिया गया आपको कोर्सेस दे दिया गया है लाइव कोर्सेस दे दिया गया है साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दे दिया गया है टेस्ट सीरीज हर महापैक में होता है ई बुक्स दे दिया गया है वीडियो कोर्सेज सब कुछ आपको अवेलेबल है अब क्या करना है रेगुलरिटी मेंटेन करना है पहले तो आप कोर्सेज में आ जाएंगे फिर रेगुलर रहेंगे पढ़ाई अच्छे से करेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो ऑल द वेरी बेस्ट और मैं आपको यूट्यूब पे मिलती हूँ जीके के लिए और करंट अफेयर्स के लिए तो रोज सुबह आठ बजे तो इसीलिए आप जुड़े रहेंगे संडे को क्लास बस नहीं है ठीक है संडे को हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे आप लोग के लिए अच्छे अच्छे और क्वेश्चन और मटेरियल्स को ढूंढ लेंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू जिनका भी एफ कैट का एग्जाम है आज दोनों शिफ्ट में आप सभी को ऑल द बेस्ट और आपको जुड़े रहना है डिफेंस अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन पे आज बारह बजे हम एफ कैट का जो पेपर है शिफ्ट वन का उसका एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है तो बारह बजे उसका एनालिसिस और फिर शाम के साढ़े पाँच बजे एफ कैट का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर उसका एनालिसिस तो हर एक स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको जरूर देखेगा ये जानने के लिए कि अभी इस साल का ट्रेंड क्या है तो आप एस एस जेई की तैयारी कर रहे हैं या डी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पे बारह बजे जुड़ जाइएगा क्योंकि हम एफ कैट एग्जाम के क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं Take care. So, all the very best and thank you for the session.